दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में एमसीडी पार्क में पैदल चलने के लिए ट्रैक बनवाने के बाद लोगों ने मायाविष्ट का धन्यवाद किया। जी हां, आपको बता दें कि दक्षिणी दिल्ली के हॉर्टिकल्चर विभाग की चेयरमैन हैं मायाविष्ट, उन्होंने इस पार्क का साथ ही साथ जिस तरीके से जो ट्रैक बनवाने के साथ साथ यहाँ पर बैठने के लिए जो 5 बेंचें हैं वो भी दी, जिसके बाद यहाँ के लोगों ने और यहाँ की RRAWA ने भी उनका धन्यवाद किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मैदानगढ़ी इलाके में जो कि सैदुला जाव वार्ड में है मैदानगढ़ी इलाका, यहाँ पर बने MCD पार्क में ट्रैक की समस्या से लोग काफ़ी समय से जूझ रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जो ट्रैक है वो बनवा दिया गया, जिससे कि अब बूढ़े बुजुर्ग और बच्चों को चलने में काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिल रही है। खासतौर पर अगर देखा जाए तो बरसात के मौके पर लोगों को पार्क के अंदर टहलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि जगह जगह पर कीचड़ भर जाता था और लगातार लोगों ने इसको लेकर जो है अलग अलग विभाग और नेताओं से इसके बारे में कहा था, लेकिन आखिरकार मायाविष्ट के द्वारा इस पार्क में जिस तरीके से देख सकते हैं कि जहाँ पर रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं उनके चलने के लिए अब जो ट्रैक है वो बनवा दिया गया है, जिससे कि लोग यहाँ पर बेहद खुश हैं। खासतौर पर बुजुर्ग महिलाओं ने यहाँ पर मायाविष्ट को माला पहनाकर और मुंह मीठा कराकर उनका जोरदार स्वागत किया, क्योंकि ट्रैक की समस्या से लोग पिछले काफ़ी समय से जूझ रहे थे। वहीं मैदानगढ़ी का ये सबसे बड़ा पार्क है जो कि MCD का द्वारा बनाया गया था, और इसमें देखिए झूले जिम सब कुछ लगा है, लेकिन यहाँ पर चलने के लिए ट्रैक नहीं था, लेकिन अब ये ट्रैक बनने से अब लोगों को बेहद ज़्यादा सहूलियत मिल रही है और लोगों को अब इससे सुविधा भी मिलेगी, क्योंकि रात हो या बरसात का मौसम हो हर वक्त जो है ट्रैक पर लोग चल सकेंगे, और इसीलिए यहाँ के प्रधान जो हैं उनके द्वारा महावीर सिंह डागर के द्वारा लगातार जो है कई सरकारी एजेंसियों और नेताओं को इसके बारे में कहा गया था, लेकिन हॉर्टिकल्चर विभाग की चेयरमैन मायाविष्ट को जब इसके बारे में अवगत कराया गया तो उन्होंने इसको जल्द से जल्द बनवाया और साथ ही साथ यहाँ पर पार्क में आने वाले लोगों के लिए बैठने के लिए बेंच जो है वो भी यहाँ पर लगवाई, जिसके बाद लोगों ने खुशी में उनका स्वागत किया, साथ ही उनको माला अनपढ़ कर और मुँह मीठा करा कर उनका स्वागत किया गया। वहीं बुजुर्ग महिलाओं ने उनके लिए जो गीत है वो भी गाए, जी हाँ जो गांव में कल्चर है जी वो लोक गीत का उसको भी यहाँ पर गाया गया, बखूबी उसको निभाया गया, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से मायाविष्ट का स्वागत जो है RAWA के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ जो स्थानीय महिलाएं हैं जो यहाँ पर इस पार्क में आती हैं उनके द्वारा भी देखिए माला पहनाकर किस तरीके से उनका ज़ोरदार स्वागत किया गया। जी हाँ, इस पार्क में जो सौंदर्यीकरण का काम है देखा जाए तो पिछले कई सालों से MCD का द्वारा कराया जा रहा था, वहीं अब देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से जो माला अर्पण कर मायाविष्ट का जो है स्वागत यहाँ पर किया गया। RSO न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonynews.com पर विजिट करें, जहाँ पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। RSO न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। RSO न्यूज के लिए कैमरामैन धनपेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की खास रिपोर्ट आप RSO न्यूज पर देख रहे हैं। प्रेसिडेंट बड़े भाई महावीर सिंह जी और उनकी पूरी टीम जो लगातार मेरे पीछे लगे रहे, बहन जी अभी तक कोई ठेकेदार नहीं आया, काम नहीं हुआ, ये सारे जितने भी काम हुए इन सब के सहयोग से ये यहाँ से चल के मैं जो मुझे दायित्व मिला है उस दायित्व का निर्वाह अपनी स्वच्छ ईमानदारी से करती रहूं, यही आशीर्वाद आप लोगों से चाहती हूं। और सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बुजुर्गों को अब बरसात में भी आप यहाँ पे फिसलेंगे नहीं, ये ट्रैक जो बना है और ये जो बेंच
मैंने अपने फंड से पूरे 17 जॉब में मैंने 25 बेंच यहाँ के लिए दिए हैं, जो 17 जॉब वार्ड में हमारे एमसीडी के दो और पार्क है वहाँ पे भी भेजे हैं। एक ये नीचे देवसराय गांव में एक ग्राम सभा की जमीन थी जहाँ उस क्षेत्र की महिलाओं ने एक महिला पार्क बनाया है, 5 बेंच मैंने वहाँ पे भी दिए हैं। तो जितना मैं अपने चेयरमैन रहते हुए अपने फंड से दे सकती थी तो मैंने इस वार्ड के लिए कोशिश करी, और मेरी कोशिश में सबसे बड़ा योगदान महावीर भाई जैसे लोगों का है जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर। देखिए, हमारा कार्यकाल 18 तारीख को समाप्त हो रहा है। 2017 से अब तक का जो हमारा कार्यकाल रहा, मुझे लास्ट ईयर गार्डन कमेटी की चेयरपर्सन बनाया, और हमारा इस वार्ड से भारतीय जनता का पार्टी के पार्षद संजय ठाकुर जी थे, लेकिन बाद में किसी कारणवश पार्टी से निष्कासित हुए। तो उसके बाद जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इस क्षेत्र की RWS के लोग थे, मैं जॉन की डिप्टी चेयरमैन थी, तब से ये लोग अपने वार्ड की समस्या लेके मेरे पास आने लगे। तो चाहे कैसे भी जॉन डिप्टी चेयरमैन रहते हुए, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, सीवर ब्लॉक की व्यवस्था हो, पार्कों की हो या लाइट की हो, समय समय पे मैं अपने वार्ड के साथ साथ इस वार्ड में भी करती आई हूँ। और जब मैं गार्डन कमेटी चेयरमैन बनी, बड़े भाई महावीर जी यहाँ के क्षेत्र की समस्या उन्होंने मेरे संज्ञान में लाई, और मैंने अपने फंड से इस ट्रैक को बनवाया, और ये बेंच जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये बेंच भी मैंने अपने फंड से इस वार्ड के लिए 25 बेंच सेंक्शन करवाए, और जो सभी पार्कों में पहुँच चुके हैं। और इसके अलावा भी सतलाजाब और नेपसराय गांव के लोगों का भी, उन लोगों के भी स्पेशली फ़ोन आए, उन सब ने धन्यवाद किया और इतना सम्मान दिया। बड़े भाई महावीर जी को धन्यवाद करती हूँ। अभी सभी बुज़ुर्ग माताएं बहनें दादी सब लोगों ने इतना सम्मान दिया, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये सम्मान जिम्मेवारी के रूप में मेरे कंधों पे डाला गया है। आगे हमारा पार्टी निर्देश क्या देगी, कब चुनाव होगा, ये अभी किसी को नहीं पता। और जब भी मौका मिलेगा, जनता अगर दोबारा मुझे चुनाव में मैदान में पार्टी भेजेगी और जनता का साथ और प्यार मिला, तो आगे भी अपने कर्तव्य का निर्वाह इसी प्रकार करती रहूँगी। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। समस्या से समाधान मिल गया, आगे क्या डिमांड आप लोगों ने करी नेता जी? हमने अपने जो साउथ दिल्ली की चेयरमैन है जो आज हमारे बीच में है, आदरणीय मायावीश जी, हम पिछले 4.5 साल से एक बहुत बड़ी ट्रैक की समस्या थी, और इसके लिए हम अपने जो क्षेत्र के हमारे निगम पार्षद हैं संजय ठाकुर जी, उनके पास एक नहीं अनेक बार गए, लेकिन जब भी जतते थे आज हो जाएगा कल हो जाएगा, लेकिन ये पार्क का ट्रैक नहीं बना। 4.5 साल से हम परेशान हो गए थे, बरसात के मौसम में ऐसी फिसलन हो जाती थी कि हमारे माताएं बहनें और जो सीनियर सिटीजन बुज़ुर्ग थे उनके चलने में दिक्कत होती थी, हाथ पैर में चोट लग जाती थी। अभी हमने इस विषय में आदरणीय मायावीश जी जो कि हॉर्टिकल्चर की चेयरमैन बनी, उनसे हमने जाके एक प्रतिनिधिमंडल RWA का हम जाके मिले, और बहन जी ने तुरंत उस पर एक्शन लिया, और आज आपके सामने हमारी ये बुज़ुर्ग माताएं बहनें और पूरे पार्क में जनता बैठी है। हम बड़े खुश हैं इस चीज़ से कि हमारे गांव के पार्क का ट्रैक बना और बेंच लगे, और बहुत हरियाली है 4 गांव में पूरे वार्ड में। मेरे को सभी ये कहते हैं कि भाई आपके गांव का पार्क सबसे बढ़िया है, और और ये जो हमारी माताएं अभी आप देख रहे होंगे, जो हमारे गांव के बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, ये जब चेयरमैन जी अभी आप आई, उनसे पहले ये सब यहां पे अपना जो गांव का भजन होता है, कीर्तन होते, वो सब कर रहे थे। आज बड़ा खुशी का माहौल है, और मैं पूरी RARWA और गांव मैदानगढ़ी की तरफ से आदरणीय साउथ दिल्ली की चेयरमैन दक्षिण दिल्ली की मायावीश जी हॉर्टिकल्चर जी का पूरे गांव की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चलने में सुविधा हो रही? हाँ, बहुत बढ़िया बनेगा भाई, ये महावीर की मेहरबानी से बहुत बढ़िया बनेगा। मैं तो लोहे का हूँ। मायावीश जी को क्या कहेंगे? मायावती ने बहुत बढ़िया करवाया रखे, बहुत अच्छा। आज स्वागत किया आपने उनका? हाँ, एकदम बोल दो कुछ जो भी कुछ होया, उनकी दया था, हमने बहुत अच्छा लग गया। हाँ, पहले दिक्कत होती थी आप लोगों को? पहले दिक्कत होती थी, बहुत अच्छा लग गया है। माया जी की वजह से जो भी कुछ हुआ, हम बहुत खुश हैं, बहुत 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 खुश हैं। उसमें बरसात में पैर फिसलते थे, ये बहुत अच्छा हुआ इसके।
ट्रैक बनने से सुविधा मिल गई, बहुत खुशी भाई बहुत महावीर की वजह से और अच्छा माया की वजह से हमें बहुत खुशी खुशी है कि भैया बहुत खुशी महावीर की मां बच्ची को कौन से